तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो उसको मैंने सोचा क्यों ना लेंस में उतार लूँ और मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ। तो जैसे ही मैंने ये सोचा और कैमरा मैंने उठाया वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे क्लिक हुआ कि GoPro के मेरे पास 3 बैटरी है, तो एक बैटरी तो इसके अंदर है, बाकी 2 बैटरी कहाँ पर है। तो मैं वो सर्च कर रहा था, पूरा घर सर्च मारा, मेरे को बैटरी मिल नहीं रहा था। तो मैंने बोला कि कहाँ रख दिया यार मैंने, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि स्पेयर में बैटरी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूँ कि कहाँ पर वो बैटरी मिली। ये देख रहे हो, ये है वो टक्सीडो जो 2 हफ्ते पहले मैंने पहना था सैजू की शादी के लिए, जो मेरा फ्रेंड है उसकी शादी के लिए, उसका व्लॉग भी बनाया था। यहाँ पर वो 2 बैटरी। वेलकम बैक टू अ वेरी फ्रेश वीडियो। तो ये 2 बैटरी को चार्ज होने के लिए रख देते हैं और तब तक जो मेरे पास ओरिजिनल बैटरी है उससे काम चलाता हूँ। तो ये 2 बैटरी का चार्जर है, इसके अंदर इस तरह से बैटरी को हम डालते हैं और चार्ज पे लगा देते हैं। मैंने आपको कभी दिखाया नहीं अपना ड्रॉअर, ये जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी यूज़ नहीं करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, स्टैंड है, ये पुराना स्टैंड है, ये ऐसे लिया था ट्राइपॉड ब्लॉगिंग के टाइम पे, ये हार्ड डिस्क है, ये लाइट है और ये पुराना 2 मेडल, एक क्रिकेट टूर्नामेंट और एक सॉकर लीग, ये शायद मैं फुटबॉल खेला था कभी। तो So today we are talking about creativity. Creativity is something like this. एक्चुअली मैं बात कर रहा था कि क्रिएटिविटी के बारे में और क्रिएटिविटी क्या है। मेरे लिए क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है। क्रिएटिविटी आज सोचो और कल के दिन में क्रिएटिव हो जाना, इट्स नॉट पॉसिबल। टैलेंट एक अलग चीज होती है और क्रिएटिव प्रोसेस एक अलग चीज होता है। तो मैं मान रहा हूँ कि क्रिएटिविटी करने के लिए थोड़ा अपने आप को एक प्रोसेस में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ कि क्या है वो प्रोसेस। क्रिएटिविटी है व्हाट डिफरेंट ऑल द टाइम, हार्डवर्क, परसिवियरेंस, ऑलवेज ऑन अ लुक और कोइंसिडेंस। तो बेसिकली क्या 5 चीज़ों से बनता है क्रिएटिविटी मेरे हिसाब से। तो मेरे लिए ये ओवर द टाइम आया हुआ है क्रिएटिविटी का प्रोसेस, इट्स नॉट कि मतलब आज मैंने सोचा और कल आया हुआ है। बहुत पहले से मैं ये ट्राई करता हूँ कि अपने दिमाग में एक इमेज बना लेता हूँ कि क्या डिफरेंट मैं कर सकता हूँ, तो उससे वो स्टार्ट होता है। उसके बाद होता है वो हार्डवर्क, वो डेडिकेशन, वो सारा कुछ। उस क्या अलग करने के चक्कर में आपको बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है, बहुत कुछ उसके ताम झाम में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो वो सेकेंड हो गया हार्डवर्क। थर्ड इज़ परसिवियरेंस, कि आपको कभी गिव अप नहीं करना,
करना है, मतलब वो सोचते रहना है, वो एक प्रोसेस है, उसका रिजल्ट बाद में आएगा. इट्स नॉट कि क्रिएटिविटी एकदम इमीडिएट से आ जाए, तो एक प्रोसेस है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, डे इन डे आउट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज ऑन अ लुकआउट. ऑलवेज यू शुड लुकआउट कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर मेरे को जाना है बाइक पे, तो मैं कौन से एंगल से शॉट ले सकता हूँ, देखने वाले को वो शॉट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे. तो मैं ये वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि कम्प्लीटली एक क्रिएटिव प्रोसेस में जाना बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलती है, तो उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ. फिफ्थ पॉइंट जो फाइनल पॉइंट मैंने रखा है वो मेरे एक्सपीरियंस से ही है कि कोइंसिडेंस बहुत जगह पे चारों चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे जाके वो हिट होता ही है. जैसे कि आपने एक स्क्रिप्ट लिखा है और आप उसी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हो, बट अचानक से सिचुएशन प्रैक्टिकलिटी कुछ अलग होती है, वहाँ पे कुछ अलग सिचुएशंस बनते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है अरे वाह ये तो मतलब और भी एनहांस हो गया ये शॉट, और भी क्रिएटिव हो गया ये शॉट. सो ये सारी चीज़ें के वजह से ही क्रिएटिविटी आती है, ऐसा मेरे को लगता है. तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे. हम लोग जब भी वांगनी गए थे, वांगनी में एक विस्परिंग पीपल रिजॉर्ट है वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल इमेजेस के तौर पे मेरे को अलग अलग फ्रेम दिख रहे थे, तो मैंने क्या किया एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो सारा फ्रेम सेट कर दिया. तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये सही है. तो एक रोड था वहाँ पर, एक सिंपल सा एक लंबा सा रोड स्ट्रेच था, तो वो भी मैंने वहाँ पर फ्रेम के तौर पे रखा. बट उसी के सामने अचानक से एक डॉग आ गया वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा कि वाई नॉट इसको कुछ इनोवेट करते हैं, वाई नॉट आई स्टार्ट वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ और वो कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ जाएगा और कुछ क्रिएटिवली एक अच्छा शॉट लगेगा, एक अच्छा फ्रेम लगेगा, ऐसा मुझे लगा. तो डेफिनेटली वो मुझे काफ़ी काम आया. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कोइंसिडेंस का तो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप एक शॉट रखने जाओ और कोइंसिडेंटली कुछ और शॉट आपको मिल जाता है, तो दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस. सो हाँ डेफिनेटली अगर आप ये सब करोगे तो योर माइंड इज गेटिंग ट्रेन. इट्स डिफिकल्ट बट एक प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत सिंपल हो जाता है. ये कर दिया मैंने दिस इक्वल टू दिस. अब क्या होता है कि आपने व्हाट डिफरेंट ऑल द टाइम अगर आप सोचते रहोगे, हार्ड वर्क करते हो, परसिवियरेंस, ऑलवेज ऑन अ लुक, कोइंसिडेंस, ये सब करते रहोगे तो आपको एंड में एक चीज़ चार चीज़ मिल जाएगी. जैसे कि यू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंट, मतलब एवरी टाइम तुम सोचते रहोगे कुछ अलग करना है अलग करना है, तो योर एटीट्यूड वैसा बन जाएगा कि यू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली, योर माइंड इज गेटिंग ट्रेन. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते रहोगे कि हाँ यही करना है, इस तरह से करना है, कुछ अलग करना है, तो कंटिन्यूसली आपका माइंड इज गेटिंग ट्रेन. एक प्रोसेस क्रिएट होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोसेस के बिना कुछ अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि स्क्रिप्ट लिखना, जैसे कि उसके पीछे रिसर्च करना, जैसे कि स्क्रीन प्ले बनाना, फिर उसके बाद एक्ट करना, तो ये सारा पिक्चराइजेशन का पार्ट होता है. उसी तरह एक प्रोसेस बनने के लिए भी टाइम लगता है. यू नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स टू गेट इन टू दैट प्रोसेस एंड योर इंस्टिंक्ट विल फॉलो. पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह बन जाता है. तो विश यू ऑल द लक फॉर ऑल योर फ्यूचर वीडियोज और ऑल योर क्रिएटिविटी. ड्रॉइंग वाले स्केच वाले I was talking about creativity and what is creativity.